खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप, दोनों पर ही फिलहाल कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है। दोनों के विरुद्ध अलग अलग आरोप हैं, लेकिन कॉमन बात यह है कि दोनों पर कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हो रही है। अब सवाल ये आता है कि दोनों के आरोप अलग हैं तो एक ही कानून के तहत कार्रवाई कैसे हो रही है, आप जरूर जानना चाहेंगे। उससे भी बड़ी बात ये कि आखिर रासुका है क्या और इसके नाम से ही बड़े बड़े आरोपियों के हाथ पांव क्यों फूल जाते हैं। आज हम आपको रासुका यानी NSA से जुड़ी कुछ अहम जानकारी देंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं माई लॉर्ड, जहां आपको मिलती है नियम और कानून की जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में। रासुका, जिसका पूरा नाम राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, इस कानून के तहत ऐसे व्यक्ति को हिरासत में रखने का अधिकार है जिससे प्रशासन को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा महसूस हो। इस कानून के तहत केंद्र और राज्य सरकारें किसी भी संदिग्ध नागरिक को एहतियातन महीनों तक हिरासत में ले सकती हैं। अगर स्थानीय प्रशासन को किसी शक से देश की सुरक्षा और सद्भाव का संकट महसूस होता है तो ऐसा होने से पहले ही वो उस शख्स को पकड़ सकता है। ये कानून प्रशासन को किसी व्यक्ति को महीनों तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है। इस कानून को साल 1980 में देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ देने के लिए जोड़ा गया था। रासुका में संविधान से मिले सबसे बड़े अधिकार मतलब आज़ादी के अधिकार पर रोक लगा दी जाती है। इसके खास नियमों को आसान भाषा में जरा ध्यान से सुनिए। रासुका के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना कोई आरोप लगाए 3 महीने तक बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है। हिरासत में लेने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो हर 3 महीने के लिए हिरासत की अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन हिरासत की अधिकतम अवधि 12 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती। गिरफ्तारी के बाद जिला अधिकारी को राज्य सरकार को बताना पड़ता है कि किस आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। आरोपी की अपील की बात करें तो हिरासत में लिया गया व्यक्ति सिर्फ हाईकोर्ट में एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपील कर सकता है। मुकदमे के दौरान रासुका लगे व्यक्ति को वकील की अनुमति नहीं मिलती है। जब कोर्ट में मामला जाता है तो सरकारी वकील मामले की तफ्तीश कोर्ट को देता है और जज ही उसकी मेरिट पर जाँच करता है। कानून के जानकार मानते हैं कि रासुका जैसे कानूनों को अपराधी के भीतर डर पैदा करने के लिए बनाया गया, खासकर तब जब सरकार को लगता है कि किसी व्यक्ति से देश की सुरक्षा पर बात आ सकती है। ऐसे में व्यक्ति को रासुका के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उस पर सरकार रासुका लगा सकती है और उसे हिरासत में लेने का आदेश दे सकती है। NSA एक प्रिवेंटिव यानी कि निरोधक कानून है। प्रिवेंटिव कानूनों का इतिहास आज़ादी से पहले का है, लेकिन आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पेश किया। 31 दिसंबर साल 1959 में इस एक्ट की अवधि खत्म हो रही थी। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साल 1971 में विवादित कानून मीसा या मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ले आई। साल 1975 में इमरजेंसी के दौरान इस कानून का सख्ती से इस्तेमाल किया गया। इमरजेंसी खत्म होने के बाद संविधान के 44वें संशोधन के तहत इस कानून को खत्म कर दिया गया। साल 1980 में इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बनी, जिसके बाद उनकी सरकार ने 23 सितंबर साल 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून संसद से पास करवाया और 27 दिसंबर साल 1980 को ये तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या रासुका के रूप में जाना जाने लगा। उम्मीद करता हूं कि लगातार खबरों में रहने वाले इस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। नियम और कानून की ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप देखते रहिए माई लॉर्ड।